अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीआई की बीमारियाँ और उनकी वैक्सीन, ईपीआई डिजीज एंड देयर वैक्सीन। आज हम जो ईपीआई के टारगेटेड डिजीज़ हैं वो पढ़ेंगे, तो इस हवाले से वैक्सीनेटर की हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये पहला डिजीज़ है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, और इसकी वैक्सीन है बीसीजी। बच्चे के पैदाइश के दौरान लगाई जाती है बीसीजी वैक्सीन, जो है बच्चे को लगाई जाती है। दोस्तों, ये है सेकेंड डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी है, इसकी जो वैक्सीन है पैदाइश के दौरान ही लगाई जाती हैं और पेंटा के अंदर भी एड है। पेंटा का डोज जो 3 डोज लगते हैं उसमें 5 वैक्सीन बीमार की वैक्सीन होती है, जिसमें हेपेटाइटिस बी की भी है। ये डिजीज़ हैं, थर्ड डिजीज़ है पोलियोमेलाइटिस, पोलियो है, जिसके अलग से भी मंथली बेसिस पे अलग से कैंपेन भी होती हैं, और ये ईपीआई रूटीन की वैक्सीन में भी इनकी वैक्सीन ऐड हैं और इंजेक्टेबल वैक्सीन भी हैं, आईपीवी भी हैं। तो इसकी वैक्सीन जो है ओपीवी एंड आईपीवी, ओपीवी के काफ़ी सारे किस्म हैं, जिसमें बीओपीवी हैं, टीओपीवी हैं, तो इस तरह आईपीवी के भी कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चर कंपनीज की किस्म हैं। तो दोस्तों, ये पोलियो डिजीज़ हैं और इसकी वैक्सीन है ओपीवी एंड आईपीवी। फोर्थ डिजीज़ है टेटनिस, टेटनिस झटकों की बीमारी को कहते हैं। तो मोस्टली ये औरतों में पाई जाती हैं और बच्चों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी वैक्सीन है जो अलग से लगा टीटी है, टेटनिस टॉक्साइड है, जो वुमन के लिए है, और जो पेंटा है वो 5 बीमारियों की जो वैक्सीन एड है, जो रूटीन के तौर पे 3 डोज बच्चे को लगते हैं, तो उसमें भी टेटनिस की वैक्सीन एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजीज 5 है, तो ये है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया की जो वैक्सीन है वो पेंटावेलेंट है, जो पेंटा 5 बीमार की एड है, तो इसमें डिप्थेरिया भी है एक। ये नेक्स्ट जो है 6 डिजीज है, तो 6 नंबर पे आते हैं पर्थोसिस, जिसको सिंधी में वडी खंग कहते हैं। तो एक लंग्स में बीमारी होती है खांसी वगैरह की, तो इसकी वैक्सीन जो है पेंटा है, पेंटावेलेंट, उसके 3 डोज बच्चे को लगते हैं। डिजीज नंबर 7 है, तो हेमरथ्रिन इन्फ्लुएंजा, ये एक बैक्टीरिया है और इसका जो फ्लू वगैरह है इसको भी कहते हैं, तो इसकी वैक्सीन है पेंटावेलेंट। डिजीज नंबर 8 है नोमोकोकल, तो ये नोमोकोकल, इसकी वैक्सीन जो है नोमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV10, पहले PCV10 थी, अब 13 आ रही हैं। तो इसके जो है बच्चे को 3 डोज लगाए जाते हैं मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर, टाइमिंग के जो स्केड्यूल के लिए अलग सी वीडियो हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। तो ये पीआई का डिजीज नंबर 9 है मीजल्स, जिसको खसरा भी कहते हैं और हम सिंधी में उड़ी भी कहते हैं, तो इसकी वैक्सीन है मीजल्स। पहले मीजल्स सेपरेट आती थी, अब जो 2021 से MR आ रही है मीजल्स रुबेला, दो एक अलग अलग खसरा और उड़ी की बीमारियां हैं, तो उसकी 2 किस्म हैं, तो दोनों की वैक्सीन जो है अभी कंबाइन आ रही है। अब डिजीज़ हैं, डिजीज नंबर 10 है टाइफाइड,
जो मलेरिया के बाद जो टाइफाइड फीवर हो जाते हैं, तो उसकी वैक्सीन जो है वो TCV है, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। जब बच्चे की उम्र 9 मंथ हो जाती है तो ये वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट है 11 डिजीज़, डिजीज नंबर 11, डायरिया। ये डायरिया, डिसेंट्री वगैरह बच्चों में ये वैक्सीन है, इसकी जो 2 डोज पिलाए जाते हैं बच्चे को, तो ये EPI स्केड्यूल की अलग सी वीडियो है। तो इसकी जो वैक्सीन आती है रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा रिस्क जिसको कह सकते हैं, वो वैक्सीन डायरिया डिसेंट्री के लिए है, पेट की बीमारी के लिए। लास्ट डिजीज है रुबेला, जो EPI में रिसेंटली 2021 में ऐड हुई है। तो इसकी जो वैक्सीन है मिजल्स रुबेला है, MR वैक्सीन है। तो दोस्तों ये थी, आज हमने पढ़ा डिजीज़ एंड देयर वैक्सीन के बारे से। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको तैयारी करवाएंगे। और जो EPI के डिजीज़ हैं टोटल, जो अभी लेटेस्ट 2022 की डिजीज़ टोटल जो है 12 हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग विपाक मीडिया। मैं आपका विपाक मीडिया टीम की तरफ से मशकूर हूँ।